नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे से। देख सकते हैं किस तरह से एक टूरिस्ट बस, सवारियों से भरी हुई टूरिस्ट बस जो कश्मीर से दिल्ली की ओर जा रही थी, खड़ा हुआ एक ट्राला खराब जिसका टायर फटा हुआ। बताया जा रहा है कि पहले से ही वो नेशनल हाईवे के ऊपर खड़ा हुआ था और पीछे से तेज रफ्तार एक जो बस आ रही थी उसकी ब्रेक नहीं लगती, जिस कारण जो बस है वो ट्राले के अंदर घुस जाती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं लगातार राहगीरों द्वारा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर जो पहुंच जाती हैं, ईआरवी 410 मौके पर पहुंच जाती है, डायरेक्ट 112 की गाड़ी मौके पर पहुंच जाती हैं और आप देख सकते हैं लगातार हाइड्रो को बुलाया जा रहा है। लगभग 2 से 3 हाइड्रो को यहां पर बुला लिया गया, बड़ी बड़ी क्रेनों को यहां पर बुला लिया गया, जिस कारण जल्द से जल्द जो है वो ट्रक को निकाला जा सके। 6 फुट ट्रक अंदर बताया जा रहा है घुस गया, जिसके अंदर ड्राइवर जो है वो बुरी तरह से फंसा हुआ है और कंडक्टर भी बुरी तरह से फंसा हुआ है। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। डायरेक्ट 112 के जो गाड़ी हैं वो मौके पर हैं, 435 नंबर 410 नंबर गाड़ी मौके पर है और लगातार ये देख सकते हैं प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो है वो जो सवारी हैं उन्हें भी बाहर निकाला जा सके। शीशे तोड़ कर निकाला जा रहा है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, एक ही दरवाज़ा है, हवा कम की जा रही है, जल्द से जल्द जो है वो बस खिसके ना और इसे जल्द से जल्द जो बस को है पीछे किया जा सके। दर्दनाक हादसा, जी हाँ दर्दनाक हादसा सुबह सुबह बाईपास पर देखने को मिलता है, नेशनल हाईवे पर। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि ड्राइवर है उसने दम तोड़ दिया है, मौके पर ही ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। देख सकते हैं हाइड्रा की सहायता से जो ये जो ट्राला खड़ा हुआ था जिस कारण ये हादसा हुआ है उसे अब खींचा जा रहा है, पूरी तरह से फंस चुका है। देख सकते हैं बुरी तरह से बस के अंदर फंस चुका है। अब देख सकते हैं हाइड्रो की सहायता से निकाल लिया गया है। जी हाँ ड्राइवर बीच में ही है, देख सकते हैं ड्राइवर बीच में ही है, अब ड्राइवर को निकाला जाएगा। देख पा रहे हैं अपील आप सभी से, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एसी बस थी पूरी, इससे 30 से 40 सवारी इसके अंदर बचाई जा रही थी, वो भी बुरी तरह से घायल जो हैं वो ही हैं। देख सकते हैं लोग राहगीर ज़रूर खड़ा हो जाते हैं और अब जो ड्राइवर है वो बीच में ही फंसा हुआ है। देख सकते हैं उसकी मौत जो है वो मौके पर ही बताई जा रही है, शव वाहन को मौके पर बुला लिया गया है। जी हाँ अब फिलहाल जो ड्राइवर के डेड बॉडी को यहाँ से कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में भिजवाया जाएगा। सुबह सुबह देख सकते हैं किस तरह से जो हाईवे है नेशनल हाईवे पूरी तरह से जो है वो बंद कर दिया जाता है ताकि जल्द से जल्द इस बस को यहाँ से साइड पर किया जा सके। जी हाँ सवारियों को बड़ी मशक्क़त के बाद निकाला गया। ये बस की आप तस्वीरें देख लीजिए, AR नंबर है, जी हाँ AR अरुणाचल प्रदेश का नंबर है और हाइड्रो की सहायता से लगातार 3 हाइड्रे प्रयास कर रहे हैं इसे यहाँ से हटाने के लिए और जो गंभीर रूप से सवारियाँ जो घायल हुई हैं उन्हें उपचार के लिए करनाल के ट्रामा सेंटर में ज़रूर भिजवाया गया है। अपील आप सभी से करूँगा, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर जरूर करें। लगातार नेशनल हाईवे पर ये हादसे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ ही दिन पहले देखा गया था 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, 2 ट्राले घुस जाते हैं हाईवे के ऊपर, जैसे ही खड़ी होती हैं गाड़ियों उन्हें तुरंत साइड पर करवाना चाहिए। देख सकते हैं एम्बुलेंस लगातार एक के बाद एक आती हुई नज़र आ रही हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं सवारियों को निकालने के लिए, शीशे तोड़े जा रहे हैं बस के क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट और कोई नहीं है, यहीं से सवारियों को बाहर निकाला जा रहा है। अपील आप सभी से करूँगा, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ड्राइवर देख सकते हैं फंसा हुआ है, हालांकि मौत मौके पर ही हो चुकी है, पुलिस है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये ट्राला जो अगला टायर फट रहा था और ये खड़ा था, इसने कोई रिफ्लेक्टर या पौधों की टहनियां नहीं लगाई थी पीछे बारे में, तो नहीं पीछे से गाड़ी लग रही थी, पीछे बारे में कुछ दिखाई नहीं, मतलब स्पीड में होगी काफी। हाँ बस काफी स्पीड में कश्मीर से दिल्ली जा रही थी, कश्मीर से उतार तो लोगों को शीशे तोड़ के निकालना पड़ा। हाँ शीशे तोड़कर चला गया था, दरवाजा और तोड़कर निकालना पड़ा, दरवाजा होना चाहिए पीछे। फिलहाल कंडक्टर भी बुरी तरह से घायल हो चुका है, उसे देख सकते हैं हम निकाल लिए गए एम्बुलेंस के जरिए करनाल के नागरिक अस्पताल में बिछवाया जा रहा है ताकि इसका जल्द से जल्द उपचार किया जाए। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जागरूक रहने की काफी आवश्यकता है, जागरूक लोगों को भी करें, इस वीडियो को शेयर करें। हाल स्थिति है ऐसा है जी, मामला ये हुआ कि सुबह हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली, 6 बजे करीब टेलीफोन आया, भाई ऐसे ऐसे फ्लाई ओवर के ऊपर एक बस और एक ट्रेलर का एक्सीडेंट हुआ है। जो बस को आगे ट्रेला खड़ा था, ट्रेले का टायर फटा हुआ था, उस कारण वो वहाँ खड़ा हुआ था। जो बस पीछे से आ रही थी, जैसे बस ने पीछे से आई तो एकदम कंट्रोल नहीं हुई और वो जाके सीधी ट्रेले में लगी। ट्रेले में लगते ही जो ड्राइवर था मौके पे एक्सपायर हो गया, बाकी काफ़ी इंजर्ड हुए हैं। जो हमारी फोर्स जिसने निकाल के सीढ़ियों की दर्जी से, क्यों वोल्वो बस थी, वोल्वो बस में एक ही खिड़की होती है, तो वहाँ से सवारियों को निकाला, उनको जो इंजर्ड थे उनको एडमिट कराया है।
और जो एक्सपायर हो गया उसको डेटा उसमें हुआ है। तो अब दो लोगों की मौत बताई जा रही है। हाँ, वो दूसरा भी एक्सपायर हो गया, जो दूसरा दबिया हुआ था ना, तो वो भी एक्सपायर हो गया। घायल कितने हुए हैं सर? घायल अभी देखो, किसी के बाजू में है, किसी के पाँव में है, किसी के पैर में तलवों में है, तो चोटें काफ़ी होकर लगी हुई हैं। कितनी सवारियाँ थी सर? तो सवारियाँ बता रहे हैं कि 40-45 के करीब सवारी थी। तो ड्राइवर का साथी था दूसरा? हाँ, ड्राइवर का साथी था, वो ड्राइवर का साथी था और पंजाब से ही था वो भी। और बस जा कहाँ से कहाँ रही थी? ये जा रही थी जम्मू से दिल्ली। दिल्ली की तरफ? दिल्ली की तरफ। तो ट्राले वाले भाग गए? ट्राले वाला हाँ, मौके से फरार हो गए। क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की जा रही है जी, उनके खुला पर्चा दर्ज होगा। ट्राले कब्जे में ले लिया? हाँ, ट्राले कब्जे में। और दोनों ये पंजाब के रहने वाले हैं? हाँ, ये पंजाब के। नाम पता है? नाम एक का तो हरनेक सिंह है मरने वाले का जी, और एक का विक्रम एलियास विक्की। हरनेक और विक्रम? हाँ, हरनेक और विक्रम दो एक्सपायर हुए हैं। बाकी हॉस्पिटल में? बाकी हॉस्पिटल में। कुछ दिल्ली भी भेज दिए हैं? नहीं, दिल्ली नहीं भेजे।